हेलो हाँ अमांड बोल, आवाज जा रही है अनंतो? हेलो अनंतो, आर्यन अनंतो, आवाज जा रहा है? हेलो यस आर्यन, सर, ठीक 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 यस ओके, सर। जस्ट वेट करो, कुछ कुछ बच्चे को आने दो। तो कल हम लोग क्या किए थे, इन प्रीवियस क्लास वी हैव सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को हम लोग प्रीवियस क्लास में सॉल्व किए थे। तो टुडे इन दिस क्लास I have discussed about the modes of propagation inside the optical fiber, types of optical fiber, step index, that is step index optical fiber, graded index, index optical fiber. Optical fiber कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का, उसके बारे में अभी बताया जाए, बोलेंगे। जस्ट स्क्रीनशॉट लेने दो। हेमंत सर क्या बोले हैं, क्लास लेंगे सेकंड हाफ में? हेलो यस सर। हेमंत सर, क्लास क्या बोले हैं, लेंगे क्या? नहीं, कुछ तो बोले नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके ओके। तो अब हम लोग जो डिस्कस करेंगे मोड्स ऑफ प्रोपागेशन, जस्ट वेट, हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन से, है ना? स्क्रीन शेयर कर दिए, देखो तो विजिबल है? यस सर, देख रहा है। हाँ, अब आ गया मोड्स ऑफ प्रोपागेशन। हेलो हेलो, यस सर, क्या हो, आवाज जा रहा जी? यस सर, आ रहा है। जस्ट वेट करो, कुछ कुछ बच्चे आ रहे हैं, उनको इन कर लेते हैं। लेट क्यों करता है हमको समझ में नहीं आ रहा है। बच्चे एक घंटा पहले लिंक भेजा हुआ है, तैयार रहने। चलो अब लिंक, शिशिर गुप्ता, और कोई आ रहा? तो जस्ट जस्ट वेट करो, वेट करो। देखो मोड्स ऑफ प्रोपागेशन, मोड्स ऑफ प्रोपागेशन में इन एन ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर है मान लो, ठीक है? पहले हम लोग क्या ऑप्टिकल फाइबर फाइबर का डायग्राम को याद रखना है दिमाग में। तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट ट्रेवल्स एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड ऑल द वेव्स मूविंग इन डायरेक्शन अबव द क्रिटिकल एंगल। ये देखो लिखा हुआ, विल बी दिस फाइबर ड्यू टू, इसके चलते हो रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जस्ट मिनट रुको,
ऑप्टिकल फाइबर में लाइट क्या कैसे मूव कर, लाइट को हम किस रूप में ले रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, और हर एक डायरेक्शन में लाइट वेव्स ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन, और ट्रेवल जब कर रहा है तो इसका मतलब कहां पर ये क्रिएट बाउंड्री सरफेस पर यहां इंसिडेंट कर रहा है, ये कोर सरफेस है N1 मीन द कोर सरफेस ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर, एंड ये क्या पार्ट है देखो तो ये N2 बी द कोर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, एंड N1 बी द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, यहां इंसिडेंट हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ क्रिटिकल एंगल क्रिएट हुआ, क्रिटिकल एंगल कहां पर हो रहा, इन द फाइबर, इसके चलते हो रहा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के चलते, तो जितना भी ऑल द वेव्स डू नॉट प्रोपागेट थ्रू द फाइबर एंड ओनली सर्टेन डायरेक्शन इट विल मूव और इट विल अलाउड फॉर द प्रोपागेशन. So, this allowed direction correspond to modes of the fiber. अब हम मोड किसको बोल रहे हैं ये जानना होगा, ये लैंग्वेज के आधार पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये N1 भी था, ये एक्सिस है, होल पार्ट इज द ऑप्टिकल फाइबर, तो सबको ध्यान दो, N1 भी था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर एंड N2 भी था रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, सर हम क्लास में क्लास लेके कर रहे हैं, हाँ सर हम क्लास में क्लास लेके कर रहे हैं, N2 विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्लैडिंग, वी नो ऑल दीज थिंग्स, सो इन दिस ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स ऑप्टिकल फाइबर लाइट ट्रेवल्स as a electromagnetic wave and all the waves moving in all directions above this critical angle and it follow the total internal reflection. All the waves do not propagate through the fiber. Only certain directions it will move or it will propagate. So the allowed direction, here I have written, this allowed direction correspond to modes of the fiber. So here, according to this part, in both these diagrams, here zero order, and here this part, the path are all zigzag. Zigzag hai na? Sidha nahi hai, zigzag. Except light moving along axial direction, ye line axial direction, so the light moving through this fiber may be classified as first is axial ray and another is zigzag ray. Inside the optical fiber the ray moves and it is classified into zigzag ray or axial ray. So the ray gets reflected at the wall of the fiber. Ye kahan par ye wall hai na, ye boundary surface hai core or cladding ka boundary surface hai. So kya ho raha, ray us par jaake strike kar raha, incident ho raha, phir lower direction में यहाँ पर जो core cladding surface है, again this ray is strikes with this direction, so we can say the rays get repeatedly reflected at the wall of the fiber, so there occurs a phase, ये देखो phase shift, so wave along certain zigzag path इन फेज, हम लोग बोल सकते हैं कि जो वेव है वो जिगजैग पाथ में सर्टेन जिगजैग पाथ
be in phase. The light rays path along the waves are in phase indicate that the fiber are in fiber are called mode. इसमें जो light rays zigzag process से path से होकर के light waves are in phase inside the fiber is known as mode. So mode of the optical fiber depends upon the ratio of d by lambda, small d by lambda. D by lambda, d क्या है? D is the diameter of the core. We know the diameter of the core, value of diameter of the core. We know, है ना? And lambda is the wavelength of the wave transmission. Here, according to this diagram, axial ray, this ray, this axial ray that travels along the axis of the fiber is known as zero order ray. Zero order ray. Axial ray that travels along the axis of the fiber is called zero order ray. इसे एक बार बोल रहे हैं. Modes of propagation in an optical fiber, light could be taken as an electromagnetic wave and and the light waves moving in all directions above the critical angle and it produces a total internal reflection. Due to total internal reflection, so all the waves does not propagate through the fiber, only it propagates with certain directions. These allowed directions correspond to the modes of the fiber. So here N1 be the reflective index of the core and N2 be the reflective index of the cladding. And this line is axial line of the optical fiber. So the path according to this diagram A, the path are zigzag with the exception of light moving along axial cursor ko dhyan do axial direction. So the light rays moving through this fiber may be classified into axial rays and zigzag rays. Inside the optical fiber there are two rays, one is axial ray and another is in the form of zigzag ray. So according to this diagram we can say the wall, the ray gets reflected at the wall of the fiber, there occurs a phase shift. So the wave along certain zigzag path in phase. If then the light ray path along the waves are in phase indicate is known as mode. So the number of जब ये फेज में है तो इसको क्या बोल रहे हैं? Inside the fiber जब फेज क्रिएट कर रहा वेव तो उसको बोल रहे हैं मोड. The number of mode of a fiber depends upon d by lambda, where d be the diameter of the core and lambda be the wavelength. Now wavelength of the wave transmitted. Now in this figure axial ray ये axis fiber optics का जो axis है, axial ray that travel along the axis of the fiber is called zero order ray. Question आ सकता है, what do you mean by zero order ray? In that case you have write axial ray that travels along the axis of the fiber is called zero order ray. Objective में भी आ सकता है. Modes of propagation. Now just a minute wait करो. Types of optical fiber. ये देखो यहां लिख दिए. So there are two types of optical fiber. One is
steps index optical fiber and another is graded index optical fiber. Steps index optical fiber yaad rakhoge or graded index optical fiber. So now I have here written here types of optical fiber, steps index and graded index. So steps index optical fiber, just dekh lete hain aur koi hai kya. Steps index optical fiber, this is the diagram of steps index optical fiber. In this diagram here this part is in air and here this part is also is in air. The radius of the diameter is optical fiber is a here core, this part is core and this part is known as cladding. Core part is the inner part of the optical fiber and we know that this thing and cladding is surrounded over the core. So here the refractive index of the core in this part is taken as n1 and the refractive index of the cladding is taken as n2 this part. So in steps index optical fiber refractive index is constant throughout the core. Isko yaad rakho, refractive index core mein jo hai wo constant rahega and refractive index achanak abruptly change at the junction of the core. Ye dekho achanak yahan par yahan mera kya refractive index is part here at this point the refractive index is constant throughout the core and the refractive index again suddenly changes at the junction of the core yahan do crosser ko as well as in the cladding. Refractive index change ho raha due to this suddenly changes they are known as steps index optical fiber. अचानक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, सडनली चेंज हो रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं स्टेप्स इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर. एंड वी नो दैट द लाइव पाथ विद इन द हेलो एम आई ऑडिबल, आवाज जा रही है जी? हेलो हेलो आवाज है? यस सर. Yes, sir. We know that the light path within the core are zigzag as well as axial ray means axial on the axis. So there are multiple reflections means total internal reflection carried inside the fiber. Now in this according to this diagram in steps index optical fiber the core here this part the core has a uniform refractive index n1 and cladding has a uniform refractive index n2 means the refractive index of core is greater than refractive index of n2 cladding. ये तो हम लोगों को मालूम है कि refractive index core का cladding से ज्यादा होगा. Suppose here a and b be the radius of the core cladding. ये जो है एक इसका radius है core का center point से इसका fiber optic और b का देखो radius क्या है ये देखो cladding का ये पार्ट cladding है. Now again according to this diagram two rays here two rays entering at different angles of incidence. देखो दो रे यहां पर जा रहा ना ये launching end है. This is the optical diagram of optical fiber. हम लोग क्या previous class में क्या बोले थे
a single ray incident through the launching end of the optical fiber. Initial end of the optical fiber is known as launching end. ये बोला गया था. So here, according to this diagram, two rays here, these two rays are incident at the core plating interface. कहाँ पर incident कर रहा? इस पर. With different angle with the axis, means it passes through the axis. The two rays travel different path length and देखो ये रे क्या हो गया, यहां से गया ये पाथ रे क्या कर रहा, ट्रेवल कर रहा, देखो यहां फिर ये इस डायरेक्शन में है, लेकिन ये इंसिडेंट रे कहां इंसिडेंट किया, बाउंड्री सरफेस पर, लेकिन ये कहां पर ट्रेवल कर रहा, इस डायरेक्शन में. अब देखो दोनों ही, ये फर्स्ट रे जो इंसिडेंट किया बाउंड्री सरफेस पर, उसके बाद रिफ्लेक्टेड हो गया, तो रिफ्लेक्टेड होने पर कितना इनिशियल एंड का ऑप्टिकल फाइबर का इनिशियल एंड के ठीक सामने फिर वो इंसिडेंट हो रहा है यहाँ, लेकिन ये दूसरा रे अनदर रे इंसिडेंट एट द बाउंड्री सरफेस ऑफ कोर प्लेटिंग ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर और एंड इट इज रिफ्लेक्टेड एट ए डिस्टेंस इट टेक्स फ्यू डिस्टेंस फ्रॉम द फर्स्ट इंसिडेंट. ये पाथ लेंथ क्या है, अलग अलग हो रहा है एंड इमर्ज आउट एट डिफरेंट टाइम्स, बोल रहे हैं फ्रॉम फिगर दैट एन इनपुट पल्स गेट विंडेड एज इट ट्रेवल्स अलोंग द फाइबर. सो स्टेप्स इंडेक्स फाइबर कुड बी आइदर सिंगल मोड और मल्टी मोड. मोड क्यों बोल रहे हैं ये मालूम है, तो मोड इज एन इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल, यहां हमारा मोड वर्ड आया था ना इसके पहले, मोड प्रोपागेशन इन एज ए प्रोपागेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एज ए मोड. सो मोड इज द इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एंड फिजिकल कॉन्सेप्ट व्हिच डिस्क्राइब्स द प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इसके पहले हम ईएम वेव्स बोले है ना, इस डायग्राम अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम लोग क्या बोले हैं, मोड आया और मोड लाइट कैन बी टेकन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके आधार पर इस डायग्राम के आधार पर बोले हैं, अब इस डायग्राम के आधार पर बोल रहे हैं मोड इज एन इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एज वेल एज फिजिकल कॉन्सेप्ट व्हिच डिस्क्राइब्स द प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. ये ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बोल सकते हैं क्योंकि एंगल उंगल आ गया इसमें. सो इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मोड रिफर्स टू द वेरियस पाथ्स दैट लाइट कैन टेक इन ए फाइबर. तो मल्टी मोड ये हो गया मोड. मल्टी मोड मीन्स दैट सेवरल पाथ्स आर अवेलेबल. सो इन स्टेप्स इंडेक्स फाइबर हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टेप्स इंडेक्स फाइबर कुड बी आइदर सिंगल और मोड और मल्टी मोड. सो मोड इज एन इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल एंड फिजिकल कॉन्सेप्ट व्हिच डिस्क्राइब्स द प्रोपागेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स मोड रिफर्स टू द वेरियस पाथ ए पाथ दैट लाइट कैन टेक इन ए फाइबर एंड मल्टी मोड मीन्स दैट द सेवरल पाथ्स आर अवेलेबल. बहुत सारा पाथ अगर अवेलेबल है उसको बोल रहे हैं मल्टी मोड. सो द नंबर ऑफ मोड्स इन ए मल्टी मोड फाइबर डिपेंड्स ऑन न्यूमेरिकल एपर्चर. फाइबर है तो मल्टी मोड में है तो ये किस पर निर्भर कर रहा है, न्यूमेरिकल एपर्चर. न्यूमेरिकल एपर्चर पर करेगा, कोर रेडियस पर करेगा, वेवलेंथ पर करेगा और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर करेगा. Number of mode depends on numerical aperture, core radius, operating wavelength, and refractive index. So the number of modes in this steps index optical fiber is equal to n is equal to v square by 2. The formula n is equal to
number of modes in steps index fiber n is equal to v square divided by 2, where v, just a minute, a v, where v square means where v is equal to 2 pi a na numerical aperture divided by lambda. This is known as fiber parameter, where a is the core radius, radius of the core, na is the numerical aperture, and lambda be the operating wavelength. So the single mode steps index fiber v is equal to root 2. ये वैल्यू होता है याद रखना, v is equal to root 2, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा. फाइबर पैरामीटर, फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं, स्टेप्स इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर. इन स्टेप्स इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर रिफ्रेक्टिव इज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द फाइबर एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एब्रप्टली चेंज एट द जंक्शन ऑफ द कोर एंड द क्लेडिंग due to the abruptly change, it is known as steps index, step index optical fiber. The light, we know that the light inside the fiber, light travels as a zigzag or as a axial inside this fiber, ray are travel along zigzag path, or it covers zigzag path, or it travel in an axial axis of the fiber. So according to this diagram, here A and B are the radius of the core cleavage. Core ka radius dekho, A dikh raha hai yahan par, ye part yahan hamara core likha hua, aur cladding, a part cladding, this part is known as cladding. So the radius of the cladding is b, means a center point of the optical fiber. Yeah. Now according to second diagram, this diagram, two rays entering at the at different angle of incidence with the axis, these two rays travel with different path lengths and emerge at different times. So in steps index fiber could be either in mode or in multimode. Mode is an important mathematical as well as physical concept, which describes the propagation of electromagnetic waves. So in geometrical optics, the modes refers to the various paths that light can be taken in a fiber. And multimode means the several paths are available. The number of modes in a fiber depends upon, there are some parameters. The number of modes in a fiber depends upon numerical aperture, core radius, operating length, and refractive index. The number of modes in a steps index fiber is number of mode n is equal to v square by 2, where v is equal to 2 pi a na numerical aperture divided by lambda. A be the radius of the core, na be the numerical aperture, lambda be the operating wavelength. So in single mode steps index fiber, v is equal to. Now second is the graded index optical fiber. Just a minute, look. Graded index. Ye part. Graded index optical fiber. This is the diagram of
This is the diagram of graded index optical fiber. देखो यहाँ मेरा डायग्राम ये था स्टेप्स इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर का, यहाँ पर मेरा ये सेकंड पार्ट है देखो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर. सो द डायग्राम ऑफ ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर इज दिस. सो इफ द कोर हैज ए, वहां क्या था कोर और क्लेडिंग यूनिफॉर्मली रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था स्टेप्स इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में, लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में if the core has non-uniform refractive index, that a core part that gradually decreases from the center towards the core cladding interface. देखो ये धीरे-धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है core cladding interface. So the fiber is called steps index fiber. If the core and next thing is the refractive index, according to this diagram, the refractive index of cladding is uniformly in the case of graded index optical fiber. Steps from for steps index optical fiber, core, refractive index of core and cladding are same, but here in graded index optical fiber, refractive index of core is non-uniform, but cladding, refractive index of cladding is uniform. So if the core has a non-uniform refractive index that gradually decreases from the center towards the core cladding interface, the fiber is known as graded index optical fiber. And in this optical fiber, cladding has a uniform refractive index. Uniform refractive index. Now, in graded index optical fiber, the refractive index varies continuously across the core. It is highest at the center. कहां पर हो रहा है ये, हाईएस्ट एट द सेंटर ऑफ द कोर एंड टेपर्स ऑफ रेडियली टुवर्ड द आउटर एज, ये कम होते जा रहा है. द वेरिएशन ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यहाँ क्या हो रहा है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स मेरा वेरी कर रहा है. द वेरिएशन ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द फाइबर. रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, the variation of refractive index is the function of the distance from the axis of the fiber. अब देखो यहाँ मेरा, अब इस डायग्राम में ये N1 है, N1 core का refractive index, N2 क्या है cladding का refractive index, ठीक है. ये Q1, Q2, Q3 यहाँ पर हमारा क्या शो कर रहे हैं, ये इस पार्ट में देखो Q1 विद अ लीनियर स्टेप्स इंडेक्स प्रोफाइल, Q2 ये पार्ट, ये क्या है पैराबोलिक स्टेप्स इंडेक्स प्रोफाइल, और Q इज इक्वल टू इंफिनिटी मींस स्टेप्स इंडेक्स प्रोफाइल. R क्या है, ये R विद अ सिलिंड्रिकल रेडियल कंपोनेंट, R विद अ सिलिंड्रिकल रेडियल कंपोनेंट, N1 विद अ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द एक्सिस. सो द वेरिएशन ऑफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एज ए, द वेरिएशन ऑफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एज ए फंक्शन ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द axis of the fiber is given as, written as here, ये graded index. इसको हम लोग लिख सकते हैं n square is equal to r, बोल रहे हैं ना r component अभी ले रहे हैं यहाँ पर radial component, किसका बारे में बात कर रहे हैं, ये
तो यहां पर बोल रहे हैं एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू एन वन स्क्वायर, क्योंकि एन टू तो मेरा कॉन्स्टेंट है, सॉरी एन टू मेरा यूनिफॉर्मली है, एन वन मेरा चेंज हो रहा है, इंटू वन माइनस टू इंटू डेल्टा। ये डेल्टा क्या बोलते हैं इसको, बोलो, फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यस, गुड गुड गुड, इनटू आर बाय ए, आर विद द रेडियल कंपोनेंट, ए विद द रेडियस होल स्क्वायर। ये कब हो रहा है, जब आर इज लेस देन ए है और आर जो है ये लेस देन जीरो है। एन टू स्क्वायर इज इक्वल टू एन वन स्क्वायर, अब यहां पर ये मेरा जीरो आ गया, सॉरी वन, तो वन माइनस टू इंटू लैम्डा। जब आर, जब मेरा लेस देन आर इज लेस देन ए है उस केस में इस पार्ट को लिखेंगे, जब आर इज ग्रेटर देन ए है, रेडियल रेडियल कंपोनेंट इज ग्रेटर देन द ये एरिया सॉरी डायमीटर ए सॉरी रेडियस ऑफ द कोर इससे जब बड़ा है, तो एन टू स्क्वायर इज इक्वल टू एन वन स्क्वायर इंटू वन माइनस टू डेल्टा। यह है मेरा स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। नाउ अनदर डायग्राम ऑफ द स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर इज गिवेन हियर, ये डायग्राम यहां देखो, आर कंपोनेंट हम यहां दिखा रहे हैं, रेडियल कंपोनेंट, एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इधर है, ये कोर पार्ट है, ये क्लेडिंग है, सॉरी ये कोर पार्ट है। इस डायग्राम के आधार पर अभी स्टेप इंडेक्स में क्या था, ये डायग्राम था, ये पार्ट, तो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर में इस डायग्राम के आधार पर बोल रहे हैं, ये लाइन बीच में नहीं होगा, ये कटा हुआ है, ये भी कटा हुआ है, देखो ये भी बीच में नहीं होगा, ये भी कटा हुआ है, ये यहां तक लाए, यहां मेरा टू रेज इंट्रिंग हो रहा है। इन स्टेप इंडेक्स फाइबर ए रे इज कॉन्टिन्यूसली बेंड, ये क्या हो रहा, बेंड हो रहा, देखो यहाँ इंट्री हुआ, ये क्या हुआ, बेंड हो गया, देख रहे हो ना, एंड ट्रेवल्स ए पेरियोडिक पाथ अलोंग द एक्सिस, सो द रे इंटरिंग एट डिफरेंट एंगल्स, अलग अलग एंगल्स फॉलो डिफरेंट पाथ। इसका डायग्राम देखो कैसा, ये देखो स्टेप इंडेक्स, लेकिन ग्रेडेड इंडेक्स में क्या है कि डिफरेंट पाथ विद द सेम पीरियड, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये वाला डायग्राम, सेम पीरियड बोथ इन स्पेस एंड टाइम, सो देयर इज ए पीरियडिक सेल्फ फोकसिंग ऑफ द रेज, हम लोग बोल सकते हैं। So the number of mode in this graded index optical fiber is m is equal to v square by 4. वहाँ क्या था? Root 2 v graded index optical fiber number of mode. यहाँ कितना number of mode? V square by 4. So according to this diagram, again I will repeat, according to this diagram, the step index optical fiber is continuously bent and travels a periodic path along the axis, ये axis. The rays entering at different angles follow different path, अलग अलग path को follow कर रहा, with the same period, both in space and time. So there is a periodic self focusing of the rays. So here the number of modes in this graded index optical fiber could be equal to v square by 4. इस डायग्राम के अंदर ऑब्जेक्टिव में आएगा नंबर ऑफ मोड इन ऑप्टिकल स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर इज इक्वल टू रूट टू इंटू वी, बट इन स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल सॉरी ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर द नंबर ऑफ मोड इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 4. नोट्स हम अपलोड कर दें, नोट दे देंगे इसका, ये पार्ट अगर समझ में आया इस पार्ट को, तो